नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा में, जहां पे आपको स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की हर अपडेट मिलती रहती है। सुबह के 7 बज चुके हैं और हर रोज 7 बजे आपको पता है कि एक वीडियो मिलती है आपको रैपिडली, जो हमारा कोर्स चला हुआ हरियाणा पीटी एग्जाम को लेके। आज हम जो ब्लड प्रिवेंट तंत्र, हमारा रक्त प्रिसंचरण तंत्र है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हार्ट का जो सिस्टम है, तीनों एक बात है और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। बिना देरी के उससे पहले बता दूं, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि भाई कुछ ही दिनों बाद जैसे ही पीटीआई का ये कोर्स पूरा होता है उसके बाद डीएसएसबी या उत्तराखंड की जो वैकेंसी जानी है, जल्द ही 101 वैकेंसी जाने के चांसेस हैं उत्तराखंड में, या हरियाणा स्टेट जो साल के लास्ट में होगा उसके लिए एक स्पेशल सीरीज चलाएंगे। एग्जाम ओरिएंटेड बातों को लेके एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे डीपली घुस के, ठीक है। तो इस बार पूरी तैयारी अपनी पीटीआई कि जो क्लास है ना, ये एक प्रकार की प्रैक्टिस है उन एग्जामों के लिए, क्योंकि एक बात बोली जाती है टुडेज प्रैक्टिस इज योर टुमारो वार्म अप, जो आज की हमारी प्रैक्टिस है वो कल के लिए वार्म अप का काम करेगी। तो उसी कड़ी में आज हार्ट को हम डिस्कशन कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सबसे पहले बात करूं भाई, हार्ट में 4 चैंबर होते हैं आपको पता है। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम मैं पूछूं आपसे भाई, बॉडी के अलग अलग पार्ट में जो शुद्ध खून की सप्लाई करना, और जो बॉडी के अलग अलग पार्ट में शुद्ध खून हो जाता उसे वापस हार्ट में आके, और हार्ट क्या करता है उसको लंग्स में भेज के फिर से उसको शुद्ध कर देता है। तो 4 चैंबर होते हैं भाई, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ओरिकल, या मैं कहूं आलिंद, आलिंद। नीचे वाले को बोलते हैं निलय, दोनों को निलय, ठीक है। ये 4 चैंबर होते हैं, ये कौन सा आपका, ये है राइट, राइट दाया आलिंद, और ये है लेफ्ट, ओरिकल कहूं मैं या आलिंद कहूं, ये वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है, या इसको निलय भी आप बोल सकते हो, ठीक है। यहां एक अरोटा धमनी जुड़ी होती है, मैं आपको बता दूं अरोटा, यहां सुपीरियर वेनोकोवा, और यहां जुड़ी नीचे, सॉरी यहां तो आपकी पल्मोनरी धमनी जुड़ी होती है, पल्मोनरी, पल्मोनरी, समझ जाना भाई, यहां पल्मोनरी वेन, वेन यहां धमनी, देख लो भाई, अब एक्सप्लेन कर दूंगा इसको एक झटके से। एक सुपीरियर वेना को होती है, एक इसी पार्ट से इन्फीरियर वेना को भी जुड़ी होती है, इन्फीरियर वेना को, ठीक है। देखो मैंने बढ़ाए 4 पार्ट, लेफ्ट आलिंद और ये राइट आलिंद, और ये आपका लेफ्ट ओरिकल, या मैं कहूं आलिंद, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, या मैंने कहूं नीले, ठीक है। यहां एक वाल होती है भाई, उस वॉल को क्या बोलते हैं, बाइस्किपिड वॉल, बाई बाई बाइक स्पीड वॉल, बाइक स्पीड वॉल, यहां दो वाल होती हैं, यहां होती है एक वाल ट्राई ट्राइक स्पीड वॉल, ये वाल होती हैं, ठीक है। इसके बाद देखो ये अरोटा, जो हमारा अशुद्ध खून है ना, शुरुआत में अशुद्ध खून बॉडी का सारा कौन से उसमें आएगा, हमारा जो राइट ओरिकल है, जो राइट आलिंद है उसके अंदर आएगा, जो हमारे हार्ट से ऊपर के पार्ट है उसमें हार्ट आएगा सुपीरियर वेनाकोवा से, जो हमारे हार्ट से नीचे के पार्ट है उसमें आएगा इन्फीरियर वेनाकोवा के थ्रू, कहां पे, आपका दाएं आलिंद के अंदर। फिर यहां पे 3 वाल लगी होती है, ट्राइस्किपिड वॉल बोलते हैं इसको, ये क्या करेंगी, ब्लड को जो है कहां पे भेज देंगे, शुद्ध ब्लड को राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में गया, यहां पे एक फिर वॉल लगी होती है और ये क्या करेगी, पल्मोनरी धमनी क्या करेगी, अशुद्ध खून को लंग्स के अंदर ले जाएगी। यहां पे लंग्स होते हैं आपके, ठीक है, दाएं दाएं लंग में 2-3 लोब्स होते हैं और बाएं में 2 होते हैं, क्योंकि बाई साइड हमारा हार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद यहां चला गया, यहां से ब्लड शुद्ध होके पल्मोनरी वेन के द्वारा कहां आ जाएगा, लेफ्ट ओरिकल में आ जाएगा, लेफ्ट आलिंद में आ जाएगा, सॉरी लेफ्ट आलिंद में आ जाएगा। इसके बाद यहां बाइस्किपिड वॉल के थ्रू क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और यहां पे अरोटा महाधमनी के अंदर से होते हुए बॉडी के अलग अलग पार्ट में चल जाएगा। ये होता है एक सर्कल, ये होता है एक सर्कल पूरा हार्ट का, समझ गए, सुपीरियर वेनाकोवा, इन्फीरियर वेनाकोवा, समझ गए। इसके बाद ट्राइस्किपिड वॉल से कहां आया, राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से क्या हुआ, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी से कहां चला गया, लंग्स के अंदर, वहां से पल्मोनरी वेन के थ्रू कहां आया, लेफ्ट
आलिंद के अंदर और फिर वहां से बाइस्कुपिड वॉल के थ्रू कहां चला गया, लेफ्ट निलय के अंदर, और वहां से फिर एरोटा महाधमनी के थ्रू जो है अलग अलग पार्ट्स में चला गया। ये है हर्ट का साइकिल, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इजी लैंग्वेज में मैंने बता दिया, हर्ट के अंदर कोई खास नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करूं जो धमनियां होती हैं, आपको पता है बॉडी के अंदर अलग अलग धमनियां होती हैं, कोई बड़ी कोई छोटी, जैसे एरोटा, इसको बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी हमारी बॉडी की सबसे बड़ी धमनी मैं आपसे पूछूं तो वो होती है अरोटा, इसको महाधमनी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद धमनियों का काम क्या है, शुद्ध रक्त इनके अंदर से जाता है भाई, शुद्ध रक्त को लेके जाना, शुद्ध रक्त को हार्ट से लेके जाना, हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट में लेके जाना। धमनियों का काम क्या है, शुद्ध रक्त को हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट में लेके जाना। दूसरी वेन्स, या मैं कहूं सिराएं, सिराएं इनका क्या काम है, अशुद्ध ब्लड को बॉडी के अलग अलग पार्ट से कहां पे लेके आना, हार्ट की तरफ लेके आना। मैं आपसे पूछ लूं धमनियों का काम क्या होता है तो आप क्या कहोगे, हार्ट से ब्लड को जो है बॉडी के अलग अलग पार्ट में लेके जाना। मैं कहूं सिराओं का क्या काम है, बॉडी के अलग अलग पार्ट से अशुद्ध ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाना। समझ गए इतनी सी बात, ये दो बात आ गई समझ में। सिराओं में अशुद्ध खून बहेगा हमेशा, अशुद्ध खून, और धमनियों में कौन सा, हमेशा शुद्ध खून बहेगा, हमेशा शुद्ध खून। लेकिन पल्मोनरी धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जिसके अंदर अशुद्ध खून बहता है, पल्मोनरी धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जिसके अंदर अशुद्ध खून आपका बहता है, जिसके अंदर अशुद्ध खून बहता है। इसी प्रकार पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी वेन है जिसके अंदर शुद्ध ब्लड जो है आपका बहेगा, शुद्ध ब्लड आपका जो है वहां पे बहेगा। पल्मोनरी धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जहां पे अशुद्ध ब्लड बहता है, क्योंकि ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स के अंदर लेके जाती है शुद्ध करने के लिए, वहां से शुद्ध होके पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड जो है लेफ्ट आलिंद के अंदर आता है। तो पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी वेन है जिसके अंदर से शुद्ध खून जो है बहता है। ठीक है, समझ गए इतनी सी बात, दो नाम अपोजिट हो गए, बाकी धमनियों में हमेशा शुद्ध खून बहता है और हार्ट में जो है धमनियों में हमेशा शुद्ध खून बहेगा और हार्ट से ब्लड बॉडी की तरफ ले जाती है, सिराओं में हमेशा अशुद्ध खून बहता है और ये आपके जो है ब्लड को कहां ले जाती है, बॉडी के अलग अलग पार्ट से अशुद्ध ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती है। समझ गई इतनी सी बात भाई। इसके बाद कई बार सिक्वेंस पूछ ली जाती है ब्लड की, शुद्ध ब्लड की सिक्वेंस कैसे, सबसे पहले हार्ट में जो है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में हार्ट ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, शुद्ध ब्लड, ठीक है, शुद्ध ब्लड कहां पे इकट्ठा हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा यहां है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट ओरिकल है और ये लेफ्ट ओरिकल है, मैं कहूं तो ये आलिंद ऊपर वाला और ये निलय होते हैं। ठीक है, तो शुद्ध खून यहां पर इकट्ठा होगा, बाइस्कुपिड वॉल के थ्रू इसमें एंट्री कर गया, शुद्ध खून यहां पर इकट्ठा होगा, यहां पर क्या जुड़ी होगी, अरोटा, अरोटा महाधमनी, यहां पे क्या जुड़ी होगी, अरोटा महाधमनी, यहां से क्या होगी, ये अरोटा महाधमनी फिर अलग अलग छोटी छोटी महाधमनियों में, छोटी छोटी धमनियों में बट जाती है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या रहेगी शुद्ध ब्लड की, हार्ट में आया सबसे पहले, इसके बाद अरोटा में गया, अरोटा में गया, इसके बाद धमनियों में, धमनियों में गया अलग अलग, इसके बाद कोशिकाओं में, सेल में, मैं कहूं तो सेल में, कोशिका सेल एक बात है, ये सीक्वेंस रहती है शुद्ध खून की। समझ गई तो नहीं सी बात, फिर यहां से अशुद्ध खून कैसे चलेगा, सबसे पहले सेल में अशुद्ध होगा, फिर सिराओं में चला जाएगा, सिराओं में, वो फिर क्या करेंगी, सुपीरियर और इन्फीरियर वेनाकाओं में छोड़ देंगी, सुपीरियर और इन्फीरियर वेनाकाओं क्या करेंगी, राइट ओरिकल के अंदर ब्लड को छोड़ देंगी, फिर ट्रास्कुपिड वॉल से कहां चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, पल्मोनरी धमनी के द्वारा लंग्स के अंदर भेज देगा, लंग्स से फिर वही सीक्वेंस शुरू हो जाएगी। बस ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। अब मैं एग्जाम ओरिएंटेड बातों को करूं, बहुत सारी बातें मैंने बता दी। इसके बाद अगर मैं बात करूं बॉडी के सबसे वेस्ट पार्ट की, बॉडी के सबसे वेस्ट पार्ट कौन सा, देखो मैंने तीन प्रकार की आपको मसल्स बताई थी भाई, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री और कार्डियक। ठीक है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री कार्डियक, तीन प्रकार की मसल्स होती हैं।
वॉलेंट्री जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करें, इनवॉलेंट्री जो हमारी इच्छा के अनुसार काम ना करें, कार्डियक जो ताउम्र काम करती रहती बिना थके, इनको। और दूसरा नाम क्या था इन मसल्स का, ये मैंने बताई थी चिकनी मसल होती है आपकी, ये आपकी रेखित या स्केलेटल, फिर से रिपीट करवा रहा हूं मैं, देख लो एक बार, चिकनी या मैं कहूं समूथ, स्मूथ मसल, और ये आपकी हार्ट की मसल इनवॉलेंट्री। वैसे कार्डियक और एरेखित भी बोल सकते हैं इनवॉलेंट्री को भी, एरेखित, एरेखित बोल सकते हैं, कार्डियक होती है ना ठीक है, लेकिन रेखित होती है भी, ठीक है रेखित ही होती है ये भी, समझ गए। इनवॉलेंट्री जो हमारी इच्छा के अनुसार काम ना करे, अपनी इच्छा से काम करे, जैसे हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम है या उत्सर्जन तंत्र, ये सारे, ये सारी मसल्स जो हमेशा 24 घंटे काम करती रहती हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, लेकिन जैसे ब्लड खाना पच गया तो उसके बाद जो पचाने वाली मसल वो थोड़ी रिलैक्स करती है, लेकिन कार्डियक मसल है नैचिक लेकिन ताउम्र काम करती है। तो मैं पूछूं आपसे, हमारी बॉडी का सबसे वेस्ट पार्ट कौन सा, वो है हार्ट, क्योंकि ये भाई कभी नहीं रुकता, रुक गया तो कहानी खत्म है हमारी, ठीक है, ये कभी रेस्ट नहीं करता। आप सो रहे हो तो भी ये 72 बार बीट करेगा पर मिनट, जाग रहे हो तो आपकी जरूरत के हिसाब से बीट करेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है कभी रेस्ट नहीं करता, बॉडी का सबसे वेस्ट पार्ट होता है। इसके बाद एक हमारा ब्लड प्रेशर होता है भाई, नॉर्मली ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, नॉर्मली ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, बीपी हमारा 80 से 120 तक होना चाहिए। देखो दो तरह का ब्लड प्रेशर होता है भाई, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक इसको उल्टा लिखते हैं भाई, बीपी 120 से 80 होना चाहिए हमारा, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक, दो तरह का ब्लड प्रेशर होता है बीपी। सिस्टोलिक कौन सी पोजीशन होती है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हार्ट जो है संकुचन करता है, जब डायस्टोलिक कौन सी पोजीशन, जब हार्ट आकुंचन करता है, आकुंचन, ठीक है। सिस्टोलिक जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे तो क्या होगा, हमारी अरोटा धमनी के अंदर ब्लड जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं फिर से चार पार्ट आपके बनाऊं हार्ट के, चार पार्ट बनाऊं हार्ट के, हमें पता चल गया लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है लास्ट टाइम, सुदो के इसमें इकट्ठा होता है, यहां से अरोटा, अरोटा महाधमनी से बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाता है। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करता है या मैं कहूं सिस्टोल करता है, तो उस दौरान क्या है, ये अरोटा महाधमनी के ऊपर प्रेशर डालता है, अरोटा महाधमनी में अंदर ब्लड जाता है, तो ये अलग अलग धमनियों में ब्लड भेजती है, वहां पर जो प्रेशर होता ना उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, कि वहां पर जो आपकी धमनियों के ऊपर जो प्रेशर पड़ा, और वो कितना होना चाहिए आपका, 120 mmHg करके कुछ होता है, ये याद रखें 120 होता है। डायस्टोलिक जब हार्ट रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट किया, जब ये पार्ट फिर से रिलैक्स कर रहा, रिलैक्स कर रहा तो क्या करेगा, इसका साइज बढ़ जाएगा और इसमें ब्लड फिर से इकट्ठा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक, और वो कितना होना चाहिए, कम से कम 80, मतलब जब हार्ट रिलैक्स कर रहा हो तब हमारी धमनियों पे दाब कितना होना चाहिए, 80, जब ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता फोर्सफुली तो हमारी धमनियों पे पार्ट प्रेशर कितना होना चाहिए, 120। समझ गए दो प्रकार का ब्लड प्रेशर, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्स, ठीक है। अब इस पूरी प्रक्रिया में टोटल कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकंड का टोटल समय लगता है इस पूरी प्रक्रिया को होने के, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल की जो प्रक्रिया है, जैसे ऐसे किया कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स, 0.8 सेकंड लेता है। समझ गए तो नहीं सी बात भाई, अगर मैं आपसे पूछूं एक मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करेगा, फिर एक मिनट में, एक कॉन्ट्रैक्शन में जो है हमारा हार्ट कितनी बार वो करता है, 0.8 सेकेंड, एक मिनट में, एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। समझ गई तो नहीं सी बात, कितनी बार धड़केगा, 72 बार, ठीक है। इसका सीधा सा फार्मूला मैं आपको बता दूं, 60 कितनी बार धड़के, एक पता चल गया एक कॉन्ट्रैक्शन में कितना समय लगता है, 0.8, ठीक है। अगर मैं इसको भाग दूं 60 से 0.8 को, 0 उठानी तो ऊपर 10 लग जाएगा गुणा में, दशमलव उठाने का, 600/8, 8 × 7 56,
छप्पन, चार बच गया, आठ पंच 40, तो ये नियर बाई 72 आता है एक्चुअल निकालेंगे तो। लेकिन नियर बाई सेकंड बता दी 0.8 सेकंड लगती है भाई, ठीक है। तो उस हिसाब से एवरेज निकाली जाती है, 72 बार हर्ट बीट करता है एक व्यक्ति का, समझ गए इतनी सी बात, ठीक है। तो सिस्टोल डायस्टोल समझ गए, एग्जाम ओरिएंटेड बात है भाई। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, ब्लड बैंक किसको कहा जाता है भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, प्लीहा को, प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है, याद रखना है। और आरबीसी, आरबीसी का जो है उत्पादन का केंद्र कहाँ है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में जो है हमारी आरबीसी बनती है बाय रेड ब्लड सेल। देखो जो ब्लड होता है ना, ब्लड उसमें तीन तरह की सेल होती है हमारी, सबसे पहले आरबीसी, फिर आपकी डब्ल्यूबीसी, फिर आपकी प्लेटलेट्स, तीन प्रकार की वो होती है सेल, ठीक है। आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स इनका दूसरा नाम कई बार आ जाता है भाई। मैं कहूं आपसे आरबीसी रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या होगा, रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या होगा, तो ये आपका होता है भाई एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। अगर मैं कहूं आपसे डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, तो ये होता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। अगर मैं कहूं प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, तो ये होता है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, समझ गए भाई तीनों नाम, ठीक है। आरबीसी, आरबीसी का उत्पादन कहां होता है, अस्थि मज्जा के अंदर, याद रखें, उत्पादन अस्थि मज्जा में, बहुत बार एग्जाम में आता है भाई अस्थि मज्जा, ठीक है। इतनी सी बात समझ गए, एग्जाम ओरिएंटेड बात है। ब्लड के अंदर तीन प्रकार की सेल पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम आपका थ्रोम्बोसाइट, और ये अस्थि मज्जा में जो है बनती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है, रेड ब्लड सेल अस्थि मज्जा बनेगी, रक्त जमाने में हेल्प करता है। देखो जब आपको चोट लग जाए तो वहां पे क्या, कौन सा जो है सेल आपकी मदद करेगा उस खून को जमाने में, थ्रोम्बोसाइट बोले तो प्लेटलेट्स आपकी मदद करती है ब्लड को जमाने में, ठीक है। और ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी अगर मैं बात करूं आपकी, ब्लड में टोटल कितनी होती है, ब्लड में टोटल होती है ये 80% जो ब्लड की टोटल आरबीसी होती है। जैसे आपके अंदर 5 लीटर ब्लड है ना, तो इसका 80% आपको इसके अंदर आरबीसी मिलेंगी आपको, ठीक है। और ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर जो है आपका, ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितना रहता है, कई बार ये क्वेश्चन बहुत आया है भाई, ब्लड के अंदर प्लाज्मा, ये आपका 55% तक ब्लड के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो होता है 55% तक, और 45% आपकी ये सेल वगैरह बच गई जितनी भी, ठीक है, प्लाज्मा। फिर इससे क्वेश्चन बनता है प्लाज्मा में टोटल पानी कितना होता है, वो होता है भाई 90%, ठीक है। प्लाज्मा में टोटल पानी कितना होता है, 90%, याद रखें, प्लाज्मा में पानी कितना होगा, 90%, प्लाज्मा में पानी कितना होगा, 90%। पहले ब्लड में प्लाज्मा 55%, लेकिन फिर प्लाज्मा में भी पानी कितना हो गया, 90%, जो आपके वैसे इसको 90 से 91 रियल में देखोगे ना, 90 से 92 के आसपास होता है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट 90 है। बाकी जो 9% जो चीजें बच गई ना, वो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं प्लाज्मा के अंदर, समझ गई इतनी सी बात। इसके बाद जो है, मानव शरीर का जो ब्लड होता है ना, वो टोटल वेट का कितना प्रतिशत होता है, 7 से 8% आपका, 7 से 8%। जैसे हमने पढ़ा था ना, जो हमारी वॉलेंट्री मसल है वो टोटल ब्लड का 40% होती है, उसी प्रकार जो हमारा जितना वेट है उसका 7 से 8% वेट क्या होता है, ब्लड का होता है भाई, ठीक है। और एक ह्यूमन बींग में लगभग 5 लीटर के आसपास ब्लड जो है पाया जाता है, कुछ इस प्रकार की एक बात है, जिसको हर्ट शुद्ध करता है 1 मिनट में, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम ओरिएंटेड बात के ऊपर, और इसके बाद सामान्य हर्ट रेट कितनी होती है भाई, सामान्य हर्ट रेट जो हमारी होती है वो होती है 72 बार पर मिनट। 1 मिनट में आपका हर्ट कितनी बार जो है बीट कर सकता है, 72 बार, ठीक है। और एक स्ट्रोक, देखो दो चीज होती है, एक तो होता है कार्डियक आउटपुट,
कार्डियक आउटपुट, एक होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट बोले तो एक मिनट में हार्ट ने टोटल कितना शुद्ध ब्लड अपने से बाहर निकाला, एक मिनट में। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक सिस्टोल में, एक कॉन्ट्रेक्शन में हार्ट ने टोटल ब्लड कितना बाहर निकाला, तो एक स्ट्रोक वॉल्यूम में कितना निकलता है, 70 ml जो है टोटल ब्लड बाहर निकलता है, मिलीलीटर, समझ गए। और मैं कहूं कार्डियक आउटपुट तो हमें पता है कि एक मिनट में हार्ट कितना धड़केगा, 72, या मैं ले लूं 70, और आपकी कितनी है एक स्ट्रोक वॉल्यूम में आउटपुट की कैपेसिटी, 70, तो ये हो गया 4900 मिलीलीटर, मतलब लगभग 5 लीटर के आसपास ब्लड हमारा एक मिनट में हार्ट बाहर निकालता है। तो कार्डियक आउटपुट कितना हो गया, 5 लीटर के लगभग, और हार्ट एक मिनट में 72 बार जो है बीट करता है, तो उस हिसाब से 70 से गुणा कर दो, 70 मान के, ठीक है, तो 4900 के लगभग आती है ये संख्या, समझ गए। स्ट्रोक वॉल्यूम पता चल गया, और एक मिनट में हार्ट कितनी बार धड़कता है, 72 बार हमें पता है, लेकिन एग्जाम में जो तीन तरीके से आ सकता है, 70 से 80 भी आ सकता है, वो भी राइट होगा, और आपका 72 से 75 भी आ सकता है, वो भी आपका राइट होगा। सामान्य व्यक्ति अगर कोई खिलाड़ी है तो उसकी हार्ट बीट जो है आपकी 50-40 के बीच जा सकती है, जैसे मेरी जो हार्ट बीट रहती है वो 60 पे रहती है भाई, हमेशा 60 पे तो होनी चाहिए नॉर्मल, बेहतर, लेकिन हम अब नॉर्मल हो जाते हैं गेम वाले लोग, ठीक है, हमारा हार्ट स्लो काम करता है और उतना ही काम करता है, समझ गई, इतनी सी बात, एग्जाम ओरिएंटेड बातें भाई सारी। हार्ट धड़कने में कितना समय लेता है, मैंने बता दिया 0.8 सेकंड लेता है, ये बात हमारी हो गई। इसके बाद जो हीमोग्लोबिन, एक तत्व हमारी बॉडी में पाया जाता है भाई, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, और उसका काम क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, हीमोग्लोबिन इसका काम क्या है, O2 और CO2 का संवहन करना, मतलब जो हमारा ब्लड होता ना उसके अंदर हीमोग्लोबिन एक सिलेंडर का काम करता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन स्टोर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके वापस लंग्स में छोड़ता है, और ब्लड के अंदर जो है ऑक्सीजन जब ले जाने की बारी आती है तो ऑक्सीजन अपने अंदर स्टोर करके अलग अलग सेल में पहुंचाता है। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है भाई, प्रोटीन याद रखें, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, रक्त का मुख्य कार्य क्या है, O2 और जो हमारे न्यूट्रिशनल कंपोनेंट है उनकी बॉडी के अलग अलग पार्ट में सप्लाई करना याद रखें, ठीक है। कार्डियक आउटपुट मैंने बता दिया, स्ट्रोक वॉल्यूम बता दिया, इसके बाद जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसमें एक होता है स्रवदाता, एक होता है स्रवग्राही, ठीक है। स्रवदाता जो सबको ब्लड दे सके वो होता है ओ ग्रुप वाले, स्रवग्राही जो सबसे ब्लड ले सके वो होता है AB, ठीक है, समझ गए। स्रवदाता जो सबको ब्लड दे सके ओ ग्रुप, और जो स्रवग्राही है वो होता आपका जो सबसे ब्लड ले सके, ठीक है। ऐसे होते ना, ए वाला ए से ले सकता है ब्लड, बी वाला बी से ले सकता है, ठीक है, ए बी हो गई इसमें, तो ये क्या करेगा, ए बी इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है, और ये स्रवदाता है ही जो सबको दे सकता है, ओ वाला उसे ले सकता है, तो ये तो है ही ऑलरेडी, तो इनको ये भी दे सकता है, लेकिन ये जो है सबका ग्रहण कर सकता है, तो ओ से भी ले सकता है ये, समझ गई, इतनी सी बात है, ज्यादा इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं, मैं कहूं जो रेड ब्लड सेल है हमारी, उनका जीवन काल कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो वो होता है 120 दिन, 120 दिन भाई, जो रेड ब्लड सेल है उनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। वाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होगा, ये भाई थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वाइट ब्लड सेल का जीवन काल, क्योंकि इसके बारे में कहीं पे आपको 2 से 6 मिलेगा, कहीं पे 12 से 20 दिन मिल जाएगा, लेकिन ये रियल में ना कुछ घंटे जीते हैं भाई, इसके ऊपर ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं कह सकता मन, रियल में कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक ये निकालते हैं, ठीक है। मैं जब पढ़ता था भाई 10वीं क्लास तक, वहाँ से पढ़ता था 0-2 से 4 दिन, ठीक है। अब आजकल ये 12 से 20 कुछ ऐसा चला हुआ, तो ये कन्फ्यूजिंग है, इसको मैं बता नहीं पाऊँगा आपको, मेरे को ओरिजिनल डाटा भी नहीं मिला, डाटा देखोगे तो आपको अलग अलग इसके मिलेगा, ठीक है। जब एग्ज़ाम में आपके पास ऑप्शन आए तो वहाँ पर सबसे कम वाला ऑप्शन आप चूज कर लेना भाई, ठीक है, मेरी मानो तो, मैं तो यहीं सलाह दूंगा आपको। इसके बाद हीमोग्लोबिन मैंने बता दिया, एक प्रकार का ब्लड है,
और जो मैंने ये भी बता दिया आपको, जो हर्ट की सप्लाई होती है सबसे पहले हर्ट में, फिर महाधमनी धमनी और फिर कोशिका में। इसके बाद भाई हर्ट की परत पूछ लेते हैं कई बार, हर्ट की परत, क्योंकि हर्ट भी जो है ना अलग अलग परतों से मिलके बना है। तो इसकी जो बाहरी परत है, मैं कहूँ आपको बाहरी परत हर्ट की, ये क्या है आपकी पेरिकार्डियम, मध्य परत, मैं कहूँ आपसे हर्ट की मध्य परत मायोकार्डियम, और मैं कहूं बिल्कुल अंदरूनी परत, तो ये कौन सी है आपकी एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम समझ गए, ये तीन परत होती हैं भाई, जो बाहरी आवरण है हर्ट को ढके हुए है वो है पेरिकार्डियम, जो भी इसका मसल वाला पार्ट उसको बोलते हैं मायोकार्डियम, और लास्ट वाला अंदरूनी अंदर का पार्ट वो एंडोकार्डियम। समझ गए, हार्ट की मसल को क्या नाम है दूसरा, हार्ट की मसल का दूसरा नाम, हार्ट की मसल का दूसरा नाम तो ये भी होता है मायोकार्डियम, क्योंकि बीच का जो हिस्सा होता है मसल का उसको मायोकार्डियम बोलते हैं। तो इसकी हार्ट की मसल भी आपकी यही रहेगी मायोकार्डियम। इसके बाद एक्सरसाइज के दौरान मैक्सिमम हार्ट बीट निकालने का फार्मूला पूछ सकते हैं आपसे कि भाई कोई किसी व्यक्ति की आयु 40 वर्ष है तो एक्सरसाइज के दौरान उसकी मैक्सिमम हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। तो इसका फार्मूला होता है 220 माइनस आयु। आपसे कोई कह दे किसी व्यक्ति की आयु 50 वर्ष है और उसकी एक्सरसाइज के दौरान हार्ट बीट कितनी रहनी चाहिए, तो आप क्या कहोगे 220 माइनस 50, मैक्सिमम हार्ट बीट उसकी 170 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, यहाँ तक जा सकती है तो वो फायदे वाली बात होगी। ठीक है, इसके बाद मेरे ख्याल से भाई कुछ नहीं बचा, एक WBC का काम क्या होता है हमारी बॉडी में, रोगों से लड़ने का काम होता है भाई WBC का, रोगों से लड़ने का काम, लोगों से नहीं रोगों से, डिजीज से, लोगों से लड़ने का काम होता है, रोगों से लड़ने का काम, सॉरी डिजीज से लड़ने का काम क्या करता है WBC, हमारे जो एक प्रकार के सुरक्षा उपकरण है जो जानलेवा बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ जो है लड़ाई को लड़ते हैं। तो WBC का काम आपको पता चल गया। मेरे ख्याल से भाई एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं ना, कोई नहीं बची इस टॉपिक में, अगर आपको लगता है कुछ बचा है तो आप जो है कॉमेंट कर सकते हैं। फिर मैं बता दूं कार्डियक आउटपुट क्या होता है, टोटल ब्लड द्वारा एक मिनट में निकाली गई मात्रा को कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एक सिंगल कॉन्ट्रेक्शन में टोटल ब्लड ने हार्ट ने कितना ब्लड बाहर निकाला। ठीक है, मेरी तरफ से वही कुछ नहीं बचा, मैंने सारी बात बता दी। एक है ना ब्लड प्रेशर नापने का वो और बता देता हूं आपको कि क्या कौन सा उपकरण होता है बीपी को नापने का उपकरण। बीपी अगर आपको हो गया ब्लड प्रेशर तो उसको किससे नापोगे, स्फिग्नोमैनोमीटर, ये होता है भाई ब्लड प्रेशर नापने का फार्मूला, बड़ा लंबा नाम है याद रखें। ठीक है, बीपी नापने का फार्मूला क्या होगा, स्फिग्नोमैनोमीटर। बस मेरे ख्याल से भाई जितने मैंने पॉइंट नोट डाउन कर रखे थे ना वो हो गए। हाँ, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल अगर ऐसे आ जाए ना, 100 से 120 दिन होता है, 80 से 120 दिन होता है एग्जाम में, जैसे वैसे तो एग्जैक्टली 120 दिन होता है, आ जाए 70 से 100 दिन होता है, 100 से 130 दिन होता है, तो आप 100 से 120 के साथ चले जाएं। ठीक है, इसके अलावा मेरे ख्याल से भाई कुछ ना बचा हमारी बॉडी के अंदर। हाँ, पूछ ले एक मिनट में टोटल जो है हर्ट कितना ब्लड शुद्ध करता है, तो मैंने बताया था ना 70 × 70 लगभग 5 लीटर के आसपास जो एक मिनट में हमारा हर्ट ब्लड को शुद्ध करता है, लगभग 5 लीटर। ठीक है भाई, इसके बाद मेरे ख्याल से कुछ ना बचा, 30 मिनट के वीडियो में हमने एग्जाम ओरिएंटेड बात कवर कर ली, आपके लेवल की अगर बात आएगी तो यही रहेगा। एक और बता दूं भाई, मेरे बात याद आ गई, हार्ट का पेसमेकर, कल का जो हमारा पेपर था ना उसमें भी मैंने पूछ रखा था आपसे हार्ट का पेसमेकर, ये होता है एसवी नोड,
एस वी नोड जो हार्ट का पेस मेकर होता है, मतलब जो बीट की जो पेस है ना उसको बनाए रखता है एस वी नोड, मतलब दिमाग से ऑर्डर यहीं लेके आता है हार्ट को बीट करने का, क्योंकि हमारे दिमाग का ही तो काम है ना हार्ट को भी मैनेज करना, ऑटोमेटाइजेशन के साथ होता है, तो वो एस वी नोड है जो ऑटोमेटिकली हार्ट की बीट को मैनेज करता है। ठीक है भाई, आज के इस वीडियो में इतना ही, कोई पॉइंट नहीं बचा भाई मेरे ख्याल से। तो आपको कोई लगता है कि कोई पॉइंट बच गया तो आप कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में इसको उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए स्टूडियो में इतना ही, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।